चीफ जस्टिस को मुखातिब करना चाहता हूं, जनाब काजी फायज ईसा साहब, आपसे बड़ी तवक्कुआत है और आपसे हम यही उम्मीद रखते हैं कि जहां आवाम पर जुल्म होगा वहां जवाब देने के लिए काजी फायज ईसा का वजूद होगा। सबसे पहले सोमोटो एक्शन इस पर ले ले। 8.7 ट्रिलियन काजी साहब, 8.7 ट्रिलियन पैसा हमने दिया है आईपीपीस को, कोई उस पर हाथ नहीं डाल सकता, इसलिए कि सब चोर पीपल पार्टी और पीटीआई और मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखते हैं। ये उनको इलेक्शन के लिए चंदे देते हैं, ये उनको स्पॉन्सर करते हैं, ये उनके बच्चों के लिए बाहर के ममालिक में बड़े बड़े बंगले खरीद कर देते हैं, ये टिकट अमेरिका और कनाडा का लाकर उनको देते हैं। न ब्यूरोक्रेसी और न ये सियासी लीडर इस पर हाथ डाल सकते, जबकि मैं महसूस करता हूं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारे लिए खतरनाक है, ये हमारे मुल्क पर कब्जा करेगा और ये कर्जे बढ़ेंगे तो जिस तरह उस दिन वज़ीरे आज़म ने फरमाया है कि पीआईए को बेचो, रेलवे को बेचो, स्टील मिल को बेचो, मोटरवे को बेचो, हर चीज को बेचो और चलते चलते कहीं वो दिन ना आ जाए कि एटमी सलाहियत के बारे में फैसला हो जाए कि कर्जे ज्यादा हो गए, अब मकरूज और गरीब और फकीर कौम को, भूखी कौम को एटम बम की क्या जरूरत है, इसको भी बेचो। मुल्क बचाना है, कौम बचाना है, एटमी सलाहियत बचाना है।